पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पार्टी की आलोचना की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकती। सिब्बल के इस बयान के बाद पार्टी में सन्नाटा पसर गया है। काफी देर तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार शाम को पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सिब्बल को इस तरह से पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र नहीं करना चाहिए, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती हैं। वहीं कुछ दिनों पहले खबर आई कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लगाने जा रही है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले गहलोत ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने लव जिहाद बिल को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द का इजाज किया है। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। शादी को रोकने के लिए लाया जाने वाला कोई भी कानून पूरीतः असंवैधानिक है। उन्होंने लिखा कि ये किसी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क लोगों की सहमति राज्य की दया पर निर्भर हो जाए। अशोक गहलोत पहले कांग्रेस के किसी नेता ने लव जिहाद के मुद्दे पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें लगा कि इससे पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन गहलोत ने बेबाकी से अपनी बात रखी। गहलोत ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि शादी निजी फैसला है और वे इसमें रुकावट डाल रहे हैं। ये व्यक्तिगत आजादी को छीनने जैसा है। वही अशोक गहलोत के हाल ही के रुख से सवाल उठने लगे कि क्या वो पार्टी के नए अहमद पटेल बनते जा रहे हैं, क्या मुश्किल दौर में वो कांग्रेस के लिए बेबागी से अपनी बात रखने वाले हैं। पटेल पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और अब वे पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले की तरह एक्टिव नहीं रहेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो बेबाकी से पार्टी की बात रख सके। अशोक गहलोत आखिर क्यों उस रोल के लिए फिट बैठते हैं, इसके लिए कुछ चीजें समझनी होगी। अमित पटेल का काम करने का तरीका पुराना है। वो पार्टी लाइन से हटकर नेताओं से मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेटिव के लोगों तक भी उनकी पहुंच है। मुश्किल घड़ी में पार्टी के लोग अहमद पटेल और अहमद भाई को ही पुकारते हैं। खास बात यह है कि वो वक्त पर चीजों को सुलझाते हैं। यह सच है कि राहुल गांधी का पटेल के साथ ठीक तालमेल नहीं है। राहुल गांधी पटेल और उनकी शैली के साथ काम करने में सहज नहीं है, और यदि उन्हें अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे उनकी रिप्लेसमेंट की तलाशी करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि पार्टी में बहुत कम लोगों के पास अहमद जैसा अनुभव है। ऐसे में गहलोत की एक ऐसे ही नेता है जो उनकी जगह लेने के लिए लगभग फिट बैठते हैं। सबसे पहले वो राहुल गांधी के साथ एक अच्छा व्यक्तित्व समीकरण साझा करते हैं, और उनका भरोसा भी है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब गहलोत संगठन के प्रभारी थे और दोनों ने साथ साथ काम किया था। गुजरात के चुनावों में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय गहलोत के मजबूती जमीनी स्तर के काम को भी दिया जाता है। गहलोत एक सीनियर नेता है और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका व्यक्तिगत तालमेल भी अच्छा है। गहलोत के एक फोन पर तत्काल प्रतिक्रिया मिल सकती है। वे एक मजबूत जमीनी नेता भी हैं और इससे उनकी ताकत बढ़ती है। जिन्होंने गहलोत को करीबी से देखा है वे हैरान थे कि गहलोत शांत जैस्मिन की चाय और पॉली टी बिस्किट की शौकीन के तौर पर जाने जाते हैं। किसी भी नेता का साथ उनकी दुश्मनी खुले और तौर पर प्रकट नहीं होते हैं। ये संयोग नहीं है कि गहलोत ने दो विवादास्पद मुद्दे पर भी की थी। सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार भी यही चाहता है कि अशोक गहलोत पार्टी की कमान संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।